नहीं नहीं नहीं, मगर ये घर किसका है? हमारा ही है। हाँ बिल्कुल, मेरे ही नाम पे है, मैं ही किस्तें भरता हूँ। कितना पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन देखिए बाहर से दरवाजा बंद कर देता है, हम अंदर ही अंदर रह रहे। ऐसे कैसे भैया, ऐसा कहाँ हो गया जो आपको बंद कर देते हैं ऐसे? देखिए हम बहुत परेशान हो रहे हैं मैडम, अब ये हद से पार हो चुका है, ये पानी सर से ऊपर जा चुका है। अभी के अभी मुझे इस सोसाइटी वालों के खिलाफ थाने में जाकर फाइल लिखानी है। अगर ऐसा है तो फिर आप बहुत लकी है, क्योंकि हम ही पुलिस है। हाँ ये है ऐसा, आइए आइए, ये है एसआई करिश्मा सिंह और हम हैं हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। बोलिए। एक मिनट मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, ये क्या है? आप बाहर से दरवाजा खोल दिया, माना कि आपने मेहरबानी किया है, उपकार किया है, लेकिन आके बैठ गई सीधा सीधा, और ये कौन सी मजाक कर रहे हैं आप? पुलिस वाली ऐसी होती है क्या? तो फिर कैसी होती है? अरे मैडम जैसी भी होती है ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं होती है ना, इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत, इतनी हीरोइन टाइप, ऐसी थोड़ी है। ये पुलिस वाले तो हमसे फिल्मों में ही देखते हैं, आम जिंदगी में ऐसी थोड़ी होती है। देखिए नहीं, इतने भी हम हीरोइन जैसे नहीं है। आपकी बात कर भी नहीं रहा हूं मैडम, आप तो मतलब थोड़ी वैसी, मतलब क्या मतलब थोड़ी सी हाँ? क्या थोड़ी सी? एक मिनट बात कर रहे हैं, थोड़ी सी क्या हाँ? देखो हमारा दिमाग ना ज्यादा घुमाओ मत, वरना दरवाजे के बाहर कंटेनर लगा देंगे, जिंदगी भर दरवाजे से बाहर नहीं जा पाओगे तुम, समझे ना? अरे वो तो हम जॉगिंग कर रहे थे इसलिए हम ऐसे दिख रहे हैं, वरना हम तो अभी हमारी उम्र ही क्या है, देखा ही क्या है हमने जिंदगी में, अभी तो हमारी उम्र पुलिस फोर्स ज्वाइन करने की है। वैसे हम पुलिस ही है, ये है एसआई करिश्मा सिंह, इन्हें छोड़िए, हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह हैं। अब ये मत कहना कि आप हमें नहीं जानते। कौन है ये पुष्पा सिंह? जान सुखा लिया अपना, हो गया, अब रुकिए, ये देखिए हमारी भी दिखाइए। हाँ आपकी साथ में ही है, अब यकीन आया कि हम पुलिस वाले हैं। अरे मैडम ऐसे फोटो तो मेले में हर कोई खिंचवाते हैं, अब तो चांद पे बैठ के बचपन में मैं भी फोटो खिंचाया था, तो क्या मैं नील आर्मस्ट्रांग बन गया? हेलो हेलो, हाँ चीते, हम और करिश्मा जी यहाँ जॉगिंग कर रहे थे, अब यूनिफॉर्म में नहीं है तो ये जो महाशय है हमारे सामने खड़े, हमें और करिश्मा जी को पहचान ही नहीं पा रहे, हम फोन स्पीकर पे रख रहे हैं, बात करो उनसे, बात करो। भैया सुनिए, आपको मालूम है आप किसके सामने खड़े हैं? अरे महिला पुलिस थाना की कुलौती हेड कांस्टेबल है, पुष्पा सिंह नाम है उनका, और उनके बगल में जो खड़ी है ना उनका नाम करिश्मा सिंह है, एसआई करिश्मा सिंह, भोकाल की ब्रांड एम्बेसडर हैं, चुपचाप मान लीजिए असली पुलिस वाले हैं वो लोग, नहीं तो वो मनवाने पर उतर आए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको। समझ गया मैडम, बिल्कुल समझ गया, आप लोग बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ आए हाँ? बहुत देखे ऐसे जालसाजी, किसी तीसरे बंदे को फिट कर लिया कि तो वो हमें यकीन दिलाया कि आप सब पुलिस वाले हैं, अब इनके खिलाफ भी एफआईआर लिखानी होगी, नाम लिखो, नाम लिखो। क्या कब से देख रहे जालसाजी, क्या तुम टाटा अंबानी जो जालसाजी करेंगे तुम्हारे खिलाफ, कहाँ मिलेगा हमको तुम्हारे खिलाफ जालसाजी करके? बात कर रहे हो, इंटरनेट है ना तुम्हारे पास, खोलो और टाइप करो उसमें महिला पुलिस थाना अमीनाबाद, और अपनी ज्ञान चक्षु जो है ना वो खोल लो। करिश्मा सिंह एसआई, एकदम सेम टू सेम है। मैडम माफ कर दीजिए, वो आजकल वीडियो बनाने के चक्कर में लोग वो प्रैंक वीडियो बनाकर वो सोशल नेटवर्क में डाल देते हैं ना, उसी का डाउट हो गया था, हमारी मदद कीजिए, ये सोसाइटी वाले से बचा लीजिए हमें। हाँ हाँ ठीक है हम आपका मदद करेंगे, कोई बात नहीं, हम सारा बात समझ के अभी आप मासा चलिए, आपके टंटा हम दूर करते हैं, आइए चलिए। आपके पानी की समस्या एकदम सही हो जाएगी, डोंट वरी, काहे चिंता कर रहे हैं सर, मगर आइए। अरे बाप रे बाप, अरे आप अरे कहाँ से ले आए इस मगर? आप ही है सोसाइटी के सेक्रेटरी? जी जी मैं हूँ। नाम? जी श्याम कुमार। अरे मैडम जी आपको जो बात करनी है कर लीजिए, लेकिन इस अनलकी को बाहर क्यों निकाल लिए? आप हमारी बात सुनिए, आप ऐसे किसी को भी बंदी बना के नहीं रख सकते हैं किसी के भी घर पर, किसी भी आम आदमी को। अरे वही तो मैडम, आम ही तो नहीं ये आदमी, साफ कहना सुखी रहना, मैडम जी बहुत खतरनाक आदमी है ये, जहाँ कदम रख दे शमशान, जब किसी के मत्थे चढ़े उसका बेड़ा गर्क, मैडम जी जब जब घर से बाहर कदम रखता है ना तो किसी न किसी के जीवन में खलबली मच जाती है। क्यों, आतंकवादी है क्या? आतंकवादी तो फिर भी किसी की जान लेते हैं मैडम, मगर ये भाई साहब किसी के पल्ले पड़ जाएं तो समझ लीजिए कि उसके पूरे कुंबे का खाना खराब। एक मिनट बैठिए, आराम से समझाइए, अच्छे से समझाइए आपका कहना चाह रहे, क्योंकि हमें आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। अरे एक नंबर का अनलकी है जी, जिससे ये मिल ले उस पर कोई ना कोई मुसीबत आए ही आए,
अगर ये किसी को देख ले तो उसे कोई ना कोई बुरी खबर मिले ही मिले। कब बकवास कर रहे हैं आप भैया? मैं आपको समझाता हूँ मैडम जी, कोई अनलकी होता है, किसी की किस्मत खराब होती है, कोई बदकिस्मत होता है, तो किसी का ग्रह दशा खराब होता है, मगर ये उन सबका बाप है बाप। अगर ये किसी मिल जाए तो उसकी जिंदगी जहन्नुम में गई। अरे बताइए ना मानसी जी, उस दिन आपके साथ क्या हुआ था, बताइए ना मैडम जी को। अरे पिछले महीने ही इस आदमी की मैंने शकल देख ली, उसी दिन मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, सारा बिजनेस व्यापार स्वाहा हो गया जी एक मिनट के अंदर। और अगले दिन ये आदमी मेरे घर पे दूध मांगने के लिए आया, और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला इसकी शकल देखी मेरे घर की छत टपक गई। तो छत को पहले से रिपेयर करके रखना चाहिए। आप शांत रहिए, सुनने दीजिए उनका बात। मैडम जी, सुबह सुबह जब मैंने इसकी शकल देखी तो मेरी बीवी से तलाक हो गया। पूरी सोसाइटी इसके अनलकी होने की भेंट चढ़ चुकी है, इसलिए सुबह होते ही हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसके दरवाजे के बाहर से कुंडी लगा देते हैं। और ना ये अनलकी किसी को मिलेगा और ना ही किसी का जीवन खराब होगा। बस यही बात है मैडम जी, साफ कहना, सुखी रहना। लगभग क्या टोपा है क्या यहाँ पे सबकी सब, क्या चुरनगिरी लगा रखी, कब से हम सुन रहे हैं बकवास सबका ना, मतलब कुछ भी बकैती किए जा रहे हैं और हम मान लेंगे क्या उसको। आज इंसान चांद पे पान की दुकान खोलने का सोच रहा, पता नहीं कौन से युग का राग अलाप रहे हैं। किसी ने भी अगर इनको बंदी बना के रखा तो मैया कसम बता रहे हैं घसीटते हुए थाना लेके जाएंगे, फिर बताएंगे कि असली बंदी का होता है। और आप जी 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 मैडम, अगर आपके साथ किसी ने भी नजायज हरकत किया, हम अपना पर्सनल फोन नंबर देके जा रहे हैं, कॉल करो हमको, फिर हम इनको बताएंगे कि ग्रह कैसे खराब होते हैं। समझ गए सबके सब? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम जी। सुन लिया आपने, ये है एसआई करिश्मा सिंह और ये है पुष्पा सिंह हेड कांस्टेबल। हाँ, उनकी बात याद रखिएगा, समझ गए ना आप लोग? हाँ हाँ। हाथ दर्द होने लगा यार मनु। समझ गया, पुलिस वाली है, अगर जबरदस्ती किया ना तो मैं उनको रिपोर्ट कर दूंगा, हवालात का हवा खिला दूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। कोई भी हो आप, सेक्रेटरी हो चाहे कोई भी हो। जय क्या हुआ श्याम जी? श्याम जी, श्याम जी, अरे श्याम, अरे देखा, श्याम जी ने उसकी अनलकी शक्ल देखी और दिल का दौरा पड़ गया। चलो भाई इसको लेकर चलो, जल्दी अस्पताल लेके चलो, चलो चलो चलो, उठाओ यार, सुखी रहना, जल्दी चलो। तीन, कौन सा खेलू, एक दो तीन। देख बाबू, गरीब वाला गोटी नहीं काटे तुम्हारा ना, निठल्ले तू गेम में भी पीछे है, क्या कर रहा है बाबू? ये बार भी तुम सारा पैसा हार गए बिलोटे, तुमसे नहीं, हम नहीं हारेंगे। अरे तुमसे कहते हैं, एक नीचे का नहीं जाएगा, नीचे का नहीं जाएगा। अच्छा तुम नहाए नहाए हो क्या? हाँ तो नहाए नहीं, ऐसे थोड़ी आ गए, बदन के साथ गला भी साफ किया करो ना, क्या हे 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 करके। अरे होगा कि नहीं तुमसे, देखो मैं करता हूँ। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये है, बताया क्यों नहीं? बहुत मजा आ रहा है तुम लोगों को गेम खेलने में। हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हमें ना कभी कभी लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा सा शॉपिंग मॉल, फूड कोर्ट या रेस्टोरेंट टाइप कुछ खुलना चाहिए, बहुत मजा आएगा, तब इत्मीनान से सब एंजॉय करेंगे, ऐसे गेम्स खेलेंगे। हाँ हाँ, है ना? हम एक काम करते हैं, हम डीएसपी सर को फोन करके बेहतरीन आइडिया देते हैं। नहीं 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 मैडम सर, देखिए आइडिया तो बहुत बेहतरीन, बहुत जबर है, लेकिन सोचिए ना, कोई भी मॉल, फूड कोर्ट या रेस्टोरेंट यहाँ पर खुलेगा तो हम लोग का थाना तो बंद हो जाएगा ना मैडम सर। वो क्या है ना, अगर हमारे थाने के इकलौते पुरुष हवलदार बैठकर कैदी के साथ अगर गेम खेलेंगे तो ये थाना वैसे भी बंद हो जाएगा। नहीं मैडम सर, हम खेल नहीं रहे थे। हाँ। आप नहीं जानती हैं, सब जानते हैं। है? अरे सर, अब जय हिंद सर। जय हिंद। पुष्पा जी नहीं दिखाई दे रही है? आज व्रत है ना उनका, तो टिफिन वगैरह तो बनाना नहीं होगा, तो सोची होंगी इत्मीनान से चलते हैं, इसीलिए थोड़ी सी लेट हो गई है। हमने सोचा था कि थाने में चलेंगे, वहां पे लंच करेंगे पुष्पा जी के टिफिन के साथ। खैर कोई बात नहीं, मुद्दे पे आते हैं। जी सर बिल्कुल, प्लीज प्लीज बैठिए ना। बिल्लू सर, वन सेकंड, सीट सर, सीट। हम आप लोगों के थाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपने के लिए आए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये कार्य आपने कुशलता पूर्वक पूर्ण कर लिया तो आपके इस थाने की प्रतिष्ठा को चार चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा भी हो सकता है कि खड़े पैर आप लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है। क्या बात है सर, प्रमोशन और अप्रिसिएशन किसे अच्छा नहीं लगता, बताइए क्या काम? बस यही आपके काम की तड़प, यही आपके जज्बात को देखते हुए नेताजी ने ये कार्य आपको सौंपने के लिए कहा है। जी जी बताइए। बात ऐसी है,
कि नेताजी बहुत बड़ी सभा को संबोधित करने के लिए हमारे शहर लखनऊ आ रहे हैं और पिंकी को आप लोगों को संभालना है। सर, नेताजी का नाम पिंकी है? नहीं नहीं, उनकी बेटी का नाम पिंकी होगा, मैं संभालूंगा। पिंकी के पिताजी नेताजी हैं। ओहो, हम सब जानते हैं पिंकी नेताजी की भैंस का नाम है। तो हमारे जो नेताजी हैं वो अपना कृषि प्रेम दिखाने के लिए बहुत बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं और मंच पर अपनी भैंस को लाकर दूध निकालने वाले हैं ताकि कृषि प्रेम दिखाई दे और आने वाले चुनाव में उनकी जीत की दावेदारी प्रबल हो। इसीलिए मंत्री जी ने अपने आने से पहले अपनी फेवरेट भैंस, जिसका नाम पिंकी है, हाँ पिंकी है, उसे यहाँ भिजवा दिया है। नेताजी का जन्म समारोह परसों है, तब तक उस भैंस की जिम्मेवारी और पूरा दायित्व आप लोगों पर है। उस भैंस को आप ही लोगों को संभालना है। सर माफ कीजिए, लेकिन ये पुलिस ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। मतलब नेताजी का की सुरक्षा का डिटेल हम उसका ध्यान रख सकते हैं, लेकिन उनकी भैंस की जिम्मेदारी लेना ये पुलिस की ड्यूटी नहीं है सर। हर काम हमारी ड्यूटी का हिस्सा है मिस मलिक, जिसका आदेश हमें ऊपर से आया, जिसका आदेश हमारे सीनियर्स देते हैं, और हमने अगर नेताजी की बात नहीं मानी तो नेताजी तो आप ये थाना बंद करवा देंगे सर, हम जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। इस बार कुछ अलग है। नेताजी हमारा ट्रांसफर किसी बीहड़ बियावान जंगल में कर देंगे जहाँ शेर चीता भालू सब कुछ होंगे। उन जानवरों को देखकर ऐसा लगेगा कि काश हमने पिंकी की सेवा कर ली होती। क्या लेकिन सर? अरे मिस मलिक, छोटा सा तो काम है, आप तनाव क्यों ले रही हैं? और देखो भैंस के कितने फायदे हैं, हैं? भैंस के आने के बाद आपको दूध दही लस्सी छाछ मट्टा सब कुछ मिलेगा। पर तीन दिन की ही तो बात है, तीन दिन ही तो सेवा करनी है। सर 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 सर, भैंस तो ठीक है, लेकिन दूध का पनीर बनाने के लिए गैस चाहिए ना, वो क्या? चुप रहो, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। बंगले पर भैंस आ चुकी है, भैंस की सारी डिटेल आप लोगों को मैसेज कर दिया गया है। आप लोग देखिए और भैंस को लाइए और उसकी सेवा कीजिए और अपने दायित्व का निर्वाह कीजिए। समझ गए आप? हम सब जानते हैं। अब हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। पुष्पा जी नहीं है तो टिफिन नहीं है, टिफिन नहीं है तो हम लंच नहीं कर पाएंगे, तो हम चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। भैंस को खिलाए क्या? अब तो कोई चारा भी नहीं बचा। आपने सोसाइटी की सेक्रेटरी को हड़काया और हार्ट अटैक आ गया? और नहीं तो क्या। अरे शुक्र मनाओ, वो तो माइनर अटैक आया। वो अगर मेजर अटैक आ गया होता ना तो लेने के देने पड़ जाते इनको। जब देखो बिना सोचे समझे कहीं भी किसी पर भी बरस पड़ती है, ना आओ देखा ना ताओ। अरे हो सकता है ना सोसाइटी वालों के सितारे उसके साथ ना मिलते हो। अब जैसे दुनिया में सौभाग्यशाली लोग होते हैं वैसे दुर्भाग्यशाली लोग भी तो होते ही है ना। अरे पुष्पा जी, आप मिले ऐसे कभी अनलकी इंसान से? हाँ तो हम तो दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान को जानते हैं। कौन है, कौन है वो? बताइए बताइए। हमारी फूफी, नन्नो फूफी, एक दिन सुबह सुबह अचानक हमारे घर के दरवाजे पे आ धमकी। उनकी शक्ल देखी और सारी जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी। कैसे कैसे? अरे उसी दिन तो देखने गए थे ना हम इन्हें, उसी दिन तो हमारे लल्ला के साथ इनका रिश्ता पक्का हो गया था, उसी दिन तो हमारे घर की सुख शांति को आग लग गई थी, उसी दिन तो हमने इन्हें हमारी बहू के रूप में स्वीकारा था। एक वो दिन है और आज का दिन है। एक पल भी अगर हम चैन से जी पाए हैं ना तो बताएं तुमको। अब क्या बताएं, हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। हाँ फूट गए, सबके भाग फूट गए हैं। नासा का भी कोई अंतरिक्ष अभियान फेल होता है ना तो हमारी वजह से हो जाता है, क्योंकि हम इनका जो बहू बन गए। कहीं पे भी जलजल आ जाए, आग लग जाए, धरती फट जाए तो इनके लल्ला के भाग फूट जाते हैं हमारी वजह से। आप जो सच है वो तो है ही ना, और यही बात हम आपके लिए कहे तो? हाँ तो आप कहती है, कहती है, ये हमें तो दुनिया की सबसे अनलकी इंसान समझती है ना मन ही मन में, क्या हम नहीं जानते? तो ये रही वो भैंस पिंकी जिसके बारे में आपको पता ही होगा। डीएसपी सर के ऑर्डर्स, परसों नेताजी का जन्म समारोह है जहां ये भरी जनता के सामने इस भैंस का दूध निकालेंगे और पूरी जनता को बताएंगे उनके पशु प्रेम और कृषि प्रेम के बारे में। तब तक के लिए इस प्यारी भैंस पिंकी का हमें ख्याल रखना है और सही सलामत उसे उस समारोह में पहुंचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है मैडम सर,
लेकिन आप ये बात हमें काहे बता रही हैं? क्योंकि आप इस थाने की ऐसा है, थाने की हर जिम्मेदारी आपकी भी होती है। देखिए मैडम सर, ऐसा है कि किसी नेता की भैंस का ख्याल रखना हमारी किसी जिम्मेदारी के हिस्से में नहीं आता है। ये आपने ये जिम्मेदारी ली है तो आपको मुबारक, आप ध्यान रखिए उसका। हमने नौकरी इसलिए ज्वाइन नहीं किया था कि हम किसी नेता की भैंस का जो है ख्याल रखे और नेता का लल्ला चुप करें। करिश्मा सिंह, हम स्थानीय के SHO हैं और हम आपको ये ऑर्डर दे रहे हैं कि ये जिम्मेदारी आप ही को निभानी है। क्लियर? जी मैडम सर। दुकान के सामने तो गोबर कर दिस, तो हमें क्या बता रही है? हम क्या करें? अब हमें क्या पता क्या करना है। आप लोग प्लीज इस सबको साफ कीजिए, इस भैंस को जो है खूंटे पर बांधिए, इसका चारा लेकर आइए, इसका ख्याल रखिए और संभालिए इसे, रिपोर्ट दीजिए हमें सब। गोबर साफ करो, तुम करो, हमारी दुकान के सामने तुम लेके आए। मैडम सर, करिश्मा सिंह प्लीज, देखिए हम इस थाने के SHO हैं, हम इस तरह के एक मामले हैंडल नहीं कर सकते। आप SI हैं, हम आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं तो ये ड्यूटी आप निभाएंगे। क्लियर? जी मैडम। अरे कहाँ है वो मैडम? मैडम अब तो आपको यकीन हो गया ना कि वो कितना बनान लकी है। मैडम आपकी वजह से आज मैंने उसकी शक्ल देखी तो मुझे हार्ट अटैक आ गया, डायरेक्ट हॉस्पिटल में। मेरी रिपोर्ट लिखी है, हाँ, उस अनलकी को इस सोसाइटी से बाहर निकालिए। एक मिनट चाचा, थोड़ा शांति पकड़िए, लिखेंगे भाई आपका रिपोर्ट, बैठिए इत्मीनान से, बैठिए 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 सर, रिक्वेस्ट है, बैठिए। गजब कर रहे हैं आप लोग बच्चा की तरह। देखिए भाई साहब, क्या है ना, किसी को भी ऐसे अनलकी कहकर उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिख सकते हम। पता है, इसलिए मैं रिपोर्ट में सिर्फ वही बातें लिखवाऊंगा जो कानूनन मान्य है। लिखिए कि वो आदमी सोसाइटी में फालतू टहलता रहता है, शोर मचाता है, कुत्ता टहलाता है और मैडम केला खाकर छिलके को सड़क पर फेंकता है। मैडम जी, सोसाइटी के लोगों के साथ में मिसबिहेव करता है, गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है वो। हाँ, और ना ही कभी मेंटेनेंस टाइम पे देता है, ना ही कभी बाकी के चार्जेस टाइम पे करता है। सुन लीजिए, और भी काफी सारे एलिगेशन है मैडम। ना मतलब समझ में नहीं आता है क्या आप लोगों को? उसको सोसाइटी से बाहर निकाल के गैर कानूनी काम कर रहे हैं आप, और ये आप कानून से ही करवाना चाहते हैं। झूठे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं आप सब लोग उस पे और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं आप। शर्म नहीं आता आप लोगों को? हम यहाँ पे ना मानव का जो है ना उसकी रक्षा करने के लिए बैठे हैं, उनका हनन करने नहीं। तो ये काम ना हम खुद करेंगे ना अपनी आंखों के सामने किसी और को करने देंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे सब? हम भी देखते हैं उसको सोसाइटी से बाहर कौन निकालता है। करिश्मा सिंह, ये वही अनलकी आदमी वाला केस है? जी मैडम सर, लेकिन आपको इसमें पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये बहुत छोटा मोटा केस है, इसको जो छोटे पोस्ट पे होते हैं ना वो संभाल लेंगे। आप काफी बड़ी पोस्ट पे, आप SHO हैं, तो आप रहने दीजिए, हम देख लेंगे। हम सोच ही रहे थे कि वापस आने के बाद ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो बदली नहीं है, वो चीजें जो ना हमें पहले बर्दाश्त थी और ना ही अब बर्दाश्त है। यहाँ की हवा, बदनाम की चाय और आपकी नाफरमानी। पहले भी कह चुके हैं करिश्मा सिंह कि जो भी कीजिए सोच समझ कर ठंडे दिमाग से कीजिए, पूरी सिचुएशन भांप के। आगे आपकी मर्जी, आपका केस है, ऑल द बेस्ट। थोड़ा तो देखिए, ऐसा है कि हम जाति तौर पे तो नहीं मानते कि दुनिया में कुछ लकी या अनलकी जैसा कोई चूरनगिरी होता है। अगर कुछ होता है ना तो वो इंसान का सोच होता है, उसका जीवन जीने का नजरिया होता है, उसका परिश्रम होता है। मैडम जी, ये बड़ी बड़ी बातें आप यहाँ बैठ कर सकती हैं, पर जो हम लोगों ने झेला है ना वो आप भी झेल कर बताइए। उस रौनक लाल को आप भी झेलिए, तब आपको पता चलेगा कि हमारी तकलीफ क्या है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा ही बात है, आप सबको लगता है कि रौनक लाल का जो भी चेहरा देख लेता है उसका जो दुनिया है वो झन्नुम हो जाती है, तो आज से हर सुबह उठ के सबसे पहले उसका चेहरा देखेंगे हम, फिर देखते हैं क्या होता है। नहीं एक मिनट, हम बात कर रहे हैं ना, अगर ऐसा हुआ जैसा कि आप बता रहे हैं कि जिंदगी झन्नुम हो जाएगा, तो हम खुद उसके अगेंस्ट हो जाएंगे और FIR फाइल करेंगे, हम खुद विरोध हो जाएंगे और उसको सोसाइटी से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हमारा जिंदगी झन्नुम नहीं हुआ ना, तो बेटा हम सबका जिंदगी झन्नुम बनाएंगे। हम आप सब पे केस लगा देंगे कि आप लोगों ने एक सम्मानित नागरिक का अपमान किया है, उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाइए, उस पे झूठे इल्जाम लगाया है, उसको सोसाइटी से बाहर निकाला है झूठ बोल बोल के, ठीक है? फिर आप सब लोग को सोसाइटी से घसीटते हुए लेकर आएंगे ना और यहाँ डाल देंगे लॉकअप में। सुनिए ना, बोलिए मंजूर है? मंजूर है। आप लोगों को अलग से न्योता देंगे क्या हम? मंजूर है, मंजूर है। जोर से बोलो, मंजूर है, मंजूर है। बहुत बढ़िया, अब सब जाइए, आप सबको जल्दी याद किया जाएगा। चलो भाई चलो, चल
क्या आप भी ना? हमने जो किया सही किया। अब हम ये केस खुद ही सॉल्व करेंगे और मैडम सर को दिखा देंगे कि हम भी संयम से केस सॉल्व कर सकते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.